नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य प्रमोद उपाध्याय इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। आज बात करेंगे हरितालिका तीज व्रत। सनातन धर्म के व्रत और त्योहारों में यह भी एक प्रमुख व्रत है। यह जो व्रत है, इसको सौभाग्यवती स्त्रियां एवं कुमारी कन्याएं करती है। यह व्रत प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल पक्ष तिथि तृतीया हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया में यह व्रत किया जाता है। यह जो व्रत है, इसको सर्वप्रथम किसने किया था, इसके बारे में आपको सूक्ष्म जानकारी प्रदान करता हूं। पर्वत राज हिमालय की पुत्री यानी कि मां पार्वती ने भगवान शिव को वर रूप में प्राप्त करने के लिए हरितालिका तीज व्रत सर्वप्रथम किया था। हरितालिका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि मां पार्वती को उनकी सहेली ने हरण करके और जंगल में ले जा करके और उनको सारा विधि विधान इत्यादि के साथ में यह जो हरितालिका तीज व्रत है, इसको मां पार्वती ने विधिवत किया था पूरे श्रद्धा एवं विश्वास के साथ, इसलिए हरितालिका इसका नाम पड़ा। यह जो पूजन है, यह जो व्रत है, यह बड़ा ही उत्तम व्रत है और इसको पूरे श्रद्धा एवं निष्ठा के साथ स्त्रियां करती हैं। यह जो व्रत है, इस व्रत को करते समय भगवान गणपति, भगवान शिव और मां पार्वती तीनों के मूर्तियों का पूजन किया जाता है। विशेष करके शास्त्रों में वर्णन है कि मूर्ति जो हो मिट्टी की होनी चाहिए, लेकिन हर जगह मिट्टी की मूर्ति बनाना संभव नहीं है, इसलिए भगवान शिव के साथ पार्वती एवं भगवान गणपति की तस्वीर को लगाकर या फिर मूर्ति का पूजन किया जाता है। और पूजन करते समय सर्वप्रथम ध्यान रखने योग्य बात की एक चौकी लें और चौकी को लेकर के उस पे एक सुंदर लाल वस्त्र बिछाएं और लाल वस्त्र बिछाकर सुंदर स्थापन करें और स्थापन करने के बाद 1650 पूजन श्रद्धा एवं विश्वास के साथ करना चाहिए। 1650 पूजन करने के बाद रात्रि के समय जागरण करना चाहिए और भजन संकीर्तन करते हुए अपना समय व्यतीत करना चाहिए। इस दिन रात्रि के समय सोना वर्जित है, शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है। अब मैं आपको बता दूं कि यह जो व्रत है, इसमें तिथि कब प्रारंभ हो रही है, तृतीया तिथि जिसमें इस व्रत का विधान है, जिस दिन इस व्रत को किया जाता है, तृतीया तिथि प्रारंभ हो रही है 20 अगस्त 2020 यानी कि गुरुवार को रात्रि 2 बजे तिथि प्रारंभ हो रही है और वहीं शुक्रवार यानी कि 21 अगस्त 2020 शुक्रवार को रात्रि 11:35 तक यह तृतीया तिथि रहेगी। इसी दिन इस व्रत को पूरे श्रद्धा एवं विश्वास के साथ किया जाता है। अब मैं आपको बता दूं कि यह जो व्रत है, इसका प्रारंभ यानी कि शुभ मुहूर्त क्या है, प्रातः काल यह व्रत कितने बजे से किया जा सकता है, कथा और पूजा। प्रातः काल 5:56 से लेकर और 9 बजे तक इस व्रत को किया जा सकता है। वही प्रत्येक व्रत का प्रदोष काल भी होता है। प्रदोष काल का जो समय होगा वह शाम को 5 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक का शुभ समय होगा। इस समय स्त्रियां श्रद्धा एवं भक्ति के साथ भगवान का पूजन करके मां पार्वती के साथ, और एक बात का विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता है कि मां पार्वती को यहां श्रृंगार से जुड़ी भी सारी सामग्रियों को समर्पित करना चाहिए जिससे कि उत्तम सौभाग्य की प्राप्ति हो। जो कुमारी कन्याएं हैं वह भी विधिवत इस पूजन को करें जिससे कि आने वाले समय में जब उनका विवाह हो तो उनका जो जीवन साथी है वह उत्तम मिले। तो इस प्रकार से इस व्रत को श्रद्धा एवं पूरे विश्वास के साथ करना चाहिए। उसके अलावा इस दिन और क्या करना चाहिए, अब यहाँ पे पूरा अगर संभव हो तो आप किसी ब्राह्मण को बुला लें और ब्राह्मण देवता से आप विधिवत इस व्रत अर्थात इस पूजन को करवाएं और पूजन को करवाने के बाद पूर्णतः श्रद्धा एवं विश्वास के साथ कथा श्रवण करें, उसके पश्चात आरती करें और फिर दूसरे दिन प्रातः काल
ब्राह्मण को बुलाकर दान दक्षिणा इत्यादि देकर और इस व्रत को पूर्ण करें, जिससे जीवन में आने वाली प्रत्येक बाधाएं नष्ट हो जाए और मनोवांछित जिस प्रकार की आपकी चाहत है कि मेरा जीवन साथी सदैव सुखी और संपन्न रहे और मैं सदैव सौभाग्यवती रहूं, ऐसा विश्वास के साथ करने से भगवान शिव एवं माँ पार्वती का पूर्णतः आशीर्वाद आपके जीवन में आपको प्राप्त होता है। इस दिन कुछ बातों का विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता रहती है। सर्वप्रथम कि इस दिन पूरे श्रद्धा विश्वास के साथ व्रत जब प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले आपको पता ही है कि बिना जल और अन्न ग्रहण किए हुए इस व्रत को पूरे श्रद्धा विश्वास के साथ किया जाता है। इस दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी से झगड़ा फसाद नहीं करना चाहिए, कोई गलती ना हो इस बात का विशेष ख्याल रखें। संभवतः प्रयास करें कि पूरे समय भगवान नाम स्मरण या हरि नाम संकीर्तन करते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हुए समय व्यतीत करें तो पूर्णतः लाभ आपके जीवन में आपको प्राप्त होता है। तो मित्रों, मुझे आशा है कि मेरा यह कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। मेरा एक निवेदन है कि अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे नई नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। मित्रों, पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ, आप किसी समस्या को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं और उस समस्या का समाधान आपको नहीं मिल पा रहा है या फिर आप अपने जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क करके और उस समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।